हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप कंट्रास्ट इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हो किसी भी इमेज के ऊपर। आपको सबसे पहले उसको यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट के अंदर कन्वर्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर दिखाए हुए स्टेप्स को जस्ट फॉलो करना है। तो यहाँ पर मैं इस एरिया को एक लाइट ब्लू कलर यहाँ पर देने वाला हूँ और इससे पीछे वाले एरिया को यहाँ पर मैं रेड कलर से फिल करने वाला हूँ। आपको मैं समझा दूँ कि यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के ऊपर दोनों तरफ से लाइट पड़ रही है, तो ये चीज़ करना और भी ईजी हो जाता है इस तरीके की कंडीशन के अंदर। ओके, तो यहाँ पर सिंपल मैं इस तरीके से ब्रश को यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैंने कन्वर्ट कर दिया उसको ओवरले ब्लेंडिंग मोड पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल इस तरीके से ब्रश कर देता हूँ ये वाले एरिया पे। ठीक है, और यहाँ पर जो भी एरिया यहाँ पे फ्रंट फेसिंग है उसको ब्लू कलर में कन्वर्ट करना है आपने, और जो भी एरिया बैक फेसिंग है उसको आपको यहाँ पर रेड कलर में कन्वर्ट करना है। आप जो भी यहाँ पे दो कलर का कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली, तो आप मल्टीपल कलर का भी करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। सिंपल लॉजिक यही रहेंगे सेम, बस कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादातर यूज़ हम करते हैं लाइट कलर ज़्यादातर एरिया में और डार्कर कलर कम एरिया में। ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ सिंपल ब्लू और ग्रीनिश, आप कलर बोल सकते हो इसको, एकदम ब्लू नहीं है, थोड़ा ग्रीनिश कलर है ये। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको अप्लाई कर देता हूँ। और एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना, आपको हर एक कलर अपनी एक सेपरेट लेयर के अंदर रखना है। तो यहाँ पे मैंने सेपरेट लेयर पे रखा हुआ है इस ब्लू कलर को भी, और यहाँ पे मैं जो जो मेरे को लगता है कि वहाँ पे कलर होना चाहिए यहाँ पे मैं उसके अंदर कलर फिल कर दे रहा हूँ एकदम ध्यान से देखने के बाद। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पॉइंट रह गए हैं, उसको मैं कलर फिल कर देता हूँ। देन इसके बाद अब बारी आती है यहाँ पे रेड कलर की। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से ब्लैक एरियाज पे हटा दूँगा। सिंपल क्या करना होता है, इस तरीके से आपको यहाँ पर ये स्लाइडर आगे को ले जाना है और ऑल्ट दबा के इसको ब्रेक कर देना है। देन उसके बाद इस तरीके से इसको और आगे पुश कर देना है इसके आधे पार्ट को। इससे क्या होगा कि जो आपके डार्कर एरिया होंगे वहाँ पर ये कलर अप्लाई नहीं होगा। ओके पे क्लिक किया। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे इस तरीके से डार्कर एरिया पे जैसे कि आइज़ हो गया, डार्कर पार्ट हो गया हेयर्स का, वहाँ वहाँ पे ब्लू कलर आपका हट जाएगा और जहाँ जहाँ मेरे को लगता है कि होना चाहिए वहाँ वहाँ मैं फिल कर दे रहा हूँ इस तरीके से। सिंपल यही एक ब्लेंडिंग मोड ही होता है, यहाँ पर सिंपल सेटिंग होती है ब्लेंडिंग मोड्स की। देन उसके बाद हम बात करते हैं रेड कलर की, उसके लिए मैं ले लेता हूँ एक न्यू लेयर इस तरीके से, और यहाँ पे ले लेता हूँ रेड कलर। और एकदम भी रेड नहीं लेना है, एकदम ब्राइटर रेड आपको नहीं लेना है, आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ही लेना है, मतलब थोड़ा सा नीचे की तरफ आप यहाँ पे इस तरीके से चूज़ करोगे। ठीक है, ओके, सो उसके बाद मैं करता हूँ ओके पे क्लिक एंड यहाँ पे मैं रेड कलर से फिल करना स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये एक लाइट सोर्स के थ्रू आपका रेड कलर आ रहा है, तो उस केस में नीचे की तरफ ज़्यादा ब्राइट रहेगा, ऊपर आते रहते वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से फिल करता हूँ। एक और चीज़, इसको भी हम यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं पहले ओवरले ब्लेंडिंग मोड पर। तो यहाँ पर मैं सिंपल इसको कर देता हूँ ओवरले, जैसे कि हमने ब्लू कलर के साथ किया था, और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बहुत अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, सिर्फ हाइलाइट्स पे वर्क कर रहा है, आपके डार्कर एरिया में वर्क नहीं कर रहा है। सिंपल इस तरीके से मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे को लगता है ब्लेंड इफ की ज़रूरत नहीं है, जो कि हमने स्लाइडर को ड्रैग किया था, तो यहाँ पर मैं ब्लेंड इफ यूज़ नहीं करने वाला हूँ। और सिंपल इस तरीके से मैं ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता हूँ और यहाँ पर जस्ट पेंट कर देता हूँ। ठीक है, बहुत ही इजी है, बस आपको यहाँ पे फोटो सही से क्लिक करवानी है, सही एनवायरनमेंट में क्लिक करवानी है, अदरवाइज आपके लिए यहाँ पे काम और ज़्यादा इजी हो जाएगा, जैसे कि ये वाली फ़ोटो है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, सिंपल मैं इसको प्रॉपरली जहाँ जहाँ एरिया यहाँ पे मेरे को लगता है छूट गए हैं वहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं ब्रश की सेटिंग भी साइड बाय साइड जैसे जैसे मेरे को लग रहा है चेंज करने की ज़रूरत है मैं कर रहा हूँ। अब देखो बीच में जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर एक एरिया में, वहाँ पर क्या है सिंपल ब्लैक और रेड कलर मिक्स हो रहे हैं, तो आपका यहाँ पर ब्लैक पार्ट वो क्रिएट कर रहे हैं, इसको भी हम फिक्स करेंगे। सिंपल आपको यहाँ ब्लू कलर यहाँ पे इरेज कर देना है और यहाँ पे सिंपल रेड कलर फिल कर देना है जहाँ जहाँ आप चाहते हो। एक और चीज़ मेरे को यहाँ पे ध्यान में देखने को मिल रही है कि जो नोज़ वाला पार्ट है वो पीछे की तरफ फेस कर रहा है, तो उस केस में मैं इरेज करूँगा पहले ब्लू वाला पार्ट जैसे कि अभी आपको मैंने बताया, अदरवाइज वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इरेज किया ब्लू कलर का पार्ट और इसके बाद यहाँ पर मैं फिल करूँगा रेड कलर का एरिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने इरेज कर दिया ब्लू कलर लेयर को सिलेक्ट करके। अब मैं यहाँ पर सिंपल क्या करता हूँ, रेड वाली लेयर को मैं सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब जाऊँगा ब्रश में और सिंपल यहाँ पे मैं रेड कलर से पेंट कर दूँगा इस तरीके से। ठीक है, और जस्ट यहाँ पे आप जूम इन कर सकते हो और ज़्यादा अगर आपके पास कुछ इमेज है जिसके अंदर आप थोड़ा सा दूरी पे बैठे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सेटिंग करनी पड़ेगी और बहुत ही ईजी है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिंपल आपको बस ध्यान देना है कि आपका कौन जो पार्ट है, बॉडी पार्ट हो सकता है या फिर कोई सब्जेक्ट हो सकता है, उसका फेस किस तरफ है।
ठीक है, बस लेफ्ट और राइट का आपको ध्यान रखना है और उस तरीके से जस्ट आपको कलर्स फिल कर देने हैं। सिंपल, अब मैं ह्यू एंड सेचुरेशन लेता हूँ और सेचुरेशन को इंक्रीज कर देता हूँ ताकि कलर के लेवल्स थोड़े बूस्ट हो जाएं। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। ज़्यादा सेचुरेशन मैं इंक्रीज़ नहीं करूँगा, फेक लुक ना आए यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर सिंपल इस तरीके से क्रिएट करता हूँ। सिंपल इतना ही था इसके अंदर। यहाँ पर बहुत ही ईजीली हमने यहाँ पर सिर्फ दो लेयर्स और एक एडजस्टमेंट लेयर के बेस पे हमने ये इफेक्ट क्रिएट किया है। होप सो आपको समझ में आया होगा और पसंद आई होगी वीडियो। अगर अच्छा लगा, कुछ समझ में सीखने को मिला, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच देखने के लिए।